हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे कल बात नहीं कर पाई. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला एंड आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो. तो आज बहुत फनी सी चीज़ हुई. मुझे 8 o'clock पे घर से निकलना था और 7:30 आई गॉट अप. आई डोंट नो, मेरा सुबह का अलार्म ही नहीं बोला. और बोला तो होगा आई एम श्योर, पर आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज इन साउंड स्लीप. आई डोंट नो वॉट वेंट रॉन्ग. एंड 7:30 को वैन आई गॉट अप, आई वॉज लाइक, आज कुछ तो है, आज कुछ तो है, क्या है पता नहीं. एंड जैसे ही मुझे हिट हुआ कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं पैकिंग करने के लिए भी और घर से निकलने के लिए भी, ओ गॉड, आई वॉज सो मच इन पैनिक मोड. बिकॉज आई रिमेम्बर एक बार मैं किसी शूट पे जा रही थी और इट वॉज अ गुड ब्रांड एंड स्टफ. मुझे बहुत ट्रैफिक मिला, पता नहीं क्या हो गया, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई. तो वो प्रोडक्शन वालों ने ना मुझसे ही फ़्लाइट के पैसे खर्च करवाए दोबारा. बोले आपकी मिस्टेक है, आप ही खर्च करो, लाइक आप ही खरीदो अपनी टिकट दोबारा. एंड आई वॉज लाइक, यार काम है, काम में तो सब करना पड़ता है, इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैंने खुद के लिए वो फ़्लाइट की टिकट ली थी और तब से मैंने उससे ये सीख लिया था कि हमेशा अगर कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, लाइक अपनी फ़्लाइट के लिए आप निकल रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम हमेशा हाथ में रखो. तो मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे में पैनिक होने लगती हूँ. एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ बीइंग पंक्चुअल, लाइक मैं टाइम की पंक्चुअल हूँ. और लाइक अगर आप मुझे बोल देंगे कि मुझे कहीं 3 बजे मिलना है तो मैं वहाँ 3 बजे रहूँगी. आई मीन इट जस्ट कांट बी कि 3 बज जाए और मैं वहाँ पहुँचूँ नहीं. तो ये सब आई थिंक इन्हीं सारे एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं. तो जस्ट इमेजिन मेरी सुबह क्या हालत हुई होगी. फिर जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई तो मेरी जान में जान आई, थैंक गॉड फ्लाइट वॉज ऑन टाइम. एंड बिकॉज ऑफ दिवाली, टू मच ऑफ रश, टू मच ऑफ ट्रैफिक. सो अगर इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू गो समवेयर, लाइक थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हाथ में लेके चलना. एंड या दैट्स इट. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, बिकॉज अभी 3-4 दिन थोड़ा सा मुझे काम है एंड ट्रैवलिंग एंड स्टफ. But yeah, I will try to be in touch with you. Bye. Good night.